खेड़ शिवापुर पुणे डिस्ट्रिक्ट में बसा एक ऐसा गांव जो ऐतिहासिक दृष्टि से काफी इम्पोर्टेंट है। छत्रपति शिवाजी महाराज के पिता शाहजी राजे ने इस गांव को बसाया था। आज हम इस गांव में मौजूद वो वाड़ा देखने वाले हैं जहां पर छत्रपति शिवाजी महाराज अपने बचपन में कुछ समय के लिए रहने आए थे। हिस्टोरिकली इतना इम्पोर्टेंट होने के बावजूद इस वाड़े की हालत आज काफी नाजुक है। ये वाड़ा बापूजी मुद्गल नरेकर देशपांडे जी का था। इस वाड़े को देखकर कोई ये नहीं बोलेगा कि इस वाड़े का इतिहास छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ जुड़ा है, इतनी इस वाड़े की हालत खराब है। महाराज के बचपन का समय पुणे के लाल महल में बीता था। उसी लाल महल को बनाने के दौरान 1636 में छत्रपति शिवाजी महाराज अपनी मां जिजाऊ के साथ इस वाड़े में आकर रहे थे। ये वाड़ा पुणे से 26 किलोमीटर दूर खेड़ शिवापुर में बसा है। जब तक लाल महल पूरा बनकर तैयार नहीं हुआ था तब तक वे दोनों इसी वाड़े में रहे थे। इस वाड़े की इम्पोर्टेंस कितनी है ये आप इसी बात से समझ लीजिए कि छत्रपति शिवाजी महाराज ने जो स्वराज्य स्थापन करने का संकल्प लिया था और जिसे उन्होंने मुगलों के नाक में दम करके पूरा भी किया था, उस संकल्प की शुरुआत इसी वाड़े में हुई थी। उनके पिताजी शाहजी राजे ने इसी वाड़े में अलग अलग रीजन्स के कई सारे सरदारों के साथ मीटिंग करके मराठा साम्राज्य कैसे स्थापित करना है, उसके लिए क्या रणनीति बनानी चाहिए, इस बारे में चर्चा की थी। उसी मीटिंग में बाल शिवाजी भी मौजूद थे। इस वाड़े में कम से कम 50 खिड़कियां और दरवाजे हैं, कई सारे गुप्त दरवाजे भी हैं, और ऊपर की मंजिल तक पहुंचने के लिए भी कई सारे रास्ते हैं। लेकिन दिन के उजाले में भी यह काफी अंधेरा था और हमें ये बताया गया कि ऊपर के कमरे कई सालों से बंद है, इस लिहाज से ऊपर जाना खतरनाक भी था, इसलिए हम ऊपर नहीं गए। इस वाड़े की हर एक दीवार, यहाँ तक कि हर एक लकड़ी की चौकट भी उसी समय की है जब यहाँ छत्रपति शिवाजी महाराज ने अपने बचपन का समय गुजारा था। सिर्फ महाराष्ट्र नहीं बल्कि भारत के इतिहास के काफी महत्वपूर्ण ऐसी घटनाओं का साक्ष्य रहे इस वाड़े की हालत काफी खराब हो चुकी है, और अगर ऐसा ही चलता रहा तो अगले 15 से 20 सालों में ये वाड़ा शायद यहाँ पर दिखाई भी ना दे। तो मैं चाहता हूँ कि अगर आपको ये वीडियो जेन्युइनली पसंद आया हो तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही और कई सारे हिस्टोरिकल प्लेसेस आप तक पहुंचाता रहूं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मेरा नया गाना सुनने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में और पिन कमेंट में लिंक है, उस पर क्लिक करके आप मेरा गाना सुन सकते हैं। मेरा यकीन कीजिए आपको वो गाना जरूर पसंद आएगा। तो चलिए, मैं हूँ सुमित और मैं मिलता हूँ आपसे अगले एपिसोड में।